लग वाइन रही है और बाकी जूस है जी। क्या प्राइस है इसकी? चले नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे आपसे। क्या प्राइस है इसकी? ये 450। ये वही वाले लोग लेके जाते हैं ना जो बाहर से आते हैं और कहते हैं हम बाहर से कैंडीज लेके आए हैं आपके लिए। वही लॉलीपॉप और वही चीजें हैं जो कि बाहर से आने वाले कहते हैं हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, जो कि यहाँ से भाई कितने लोग आते हैं आपके पास इसी तरह से? कितने कस्टमर आते हैं इस तरह से बाय करने के लिए? तकरीबन सारे आते हैं। आते ही और आगे कहते हैं कि वो दिखाएं जो बाहर की लगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय दरमान, हाजिर हूँ न्यू वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जी जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इसके वीडियो को शूट करने के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ आज लाहौर की शाला मार्केट के अंदर, जो मार्केट है बड़ा मार्केट, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर चीज़ें होल सेल में यहाँ पर आपको मिलती हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो आउट ऑफ सिटी और लाहौर के अंदर और आउट ऑफ कंट्री वहाँ से भी लोग जो हैं यहाँ से बाय करने आते हैं और आके अपने रिलेटिव्स को इस तरह से चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये शो करवाते हैं कि हम आपके लिए बाहर से लेके आए हैं। तो जनाब क्या हो सकता है, उनके भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ये है कि मैं आपको आज जो है ये सारी इंफॉर्मेशन दूं कि ये कैंडीज़ जो है वो कितने की मिल रही हैं, किस तरह से मिल रही हैं। और यहाँ पे बेशुमार शॉप्स हैं जो कि इस तरह से ही कैंडीज़ जो है वो सेल कर रही हैं, क्योंकि ये होल सेल मार्केट है, पूरे एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है शाला मार्केट, जैसे कि आप जानते हैं। तो जनाब स्टार्ट करती हूँ आपकी आज की मैं अपनी वीडियो बगैर किसी स्टार्टअप के। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ पहली शॉप पर जहाँ पे कि मैं आपको कैंडीज दिखा रही हूँ साथ साथ, तो इसकी थोड़ी सी वीडियो मैं आपको दिखाने के बाद ना मैं आपको लाइव जो है ना शॉप कीपर के साथ जो मेरी बातें हुई थी ना वो जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो देखिए जनाब यहाँ पे कितनी शानदार चीज़ें जो है वो सेल हो रही हैं होल सेल में, जो कि आपको इंतहाई इंतहाई ना लो रेट पर जो यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर मुझे विज़िट करने का बहुत मज़ा आया था, मैं और समीना साथ साथ थे। समीना मेरी है फ्रेंड और साथ में है मेरी यूट्यूबर फैलो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितनी शानदार दुकानें हैं जनाब, ये भरी पड़ी हैं चीज़ों के साथ। और यहाँ पे कुछ शॉप के पर ऐसे भी होते हैं जो हमें मना कर देते हैं ना वीडियो बनाने से, तो फिर इसलिए फिर मैंने वॉइस जो है इसकी बंद की हुई है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे पैम्पर्स का जो है वो पूरी बनी हुई है स्टॉल, जो कि अशद ज़रूरत है आजकल के घरों की। जाहिर है बच्चे जो हैं वो आजकल पैम्पर्स के साथ ही जो है ना ग्रो अप हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये होलसेल में मिल रहा है पैकेट पूरा 700 का कह रहे थे ये भाई साहब। तो चलिए जनाब नेक्स्ट शॉप में मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शॉप कीपर साथ जो मेरी जो बातें हुई थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा पिक्स बनाएं, वीडियो में आ जाती हैं वो भी। वीडियो नहीं आते ना, मैं ऊपर से शुरू हो जाएंगे। अच्छा यहाँ से लोग वो लेके जाते हैं, ये होलसेल में है। क्या प्राइस है इसकी? ये 450। ये वही वाले लोग लेके जाते हैं ना जो बाहर से आते हैं और कहते हैं हम बाहर से कैंडीज लेके आए हैं आपके लिए। वही है, वही लॉलीपॉप है, वही कैंडी, वही लॉलीपॉप और वही चीज़ें हैं जो कि बाहर से आने वाले कहते हैं हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, जो कि यहाँ से। भाई कितने लोग आते हैं आपके पास इसी तरह से? कितने कस्टमर आते हैं इस तरह से बाय करने के लिए? तकरीबन सारे आते हैं। आते ही और आगे कहते हैं कि हमें वो दिखाएं जो बाहर की लगे, ठीक है भाई। बड़ा किराया पाई अंदर है, टैक्स पड़ जाता है ना। लोग तो बाहर से ही, वो बोतल किसी की पड़ी हुई है, ये इंडोनेशिया की है, दिखाएं जरा। क्या लग वाइन रही है और बाकी जूस है जी। क्या प्राइस है इसकी? चले नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे आपसे। देखा आपने शॉपकीपर भाई ने हमें कितनी इंटरेस्टिंग बातें बताई और कुछ हमने भी उनसे पूछी। अच्छा ये जो है नेक्स्ट इनके सामने स्टॉल लगा हुआ था कुछ वॉचेस और इस तरह से ना लॉकेट वगैरह बने हुए थे, इन भाई साहब ने मुझे ना मना कर दिया था वीडियो बनाने से, फिर मैंने इनकी वॉइस ही बंद कर दी। मैंने कहा आप फिर बुरा नाना मना जाए, इस तरह से कैसे लोग मना करते हैं वीडियो बनाने से। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ जनाब, कुछ लोग विलिंग होते हैं कुछ नहीं होते, बस इस तरह से ही होता है। अच्छा ये जो नेक्स्ट शॉप है ना, ये जनाब हम पहुँच गए हैं पाकिस्तान के लंदन में, यानी कि हम यूरोप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें मिल रही हैं बड़ी मज़े की कैंडीज़, जो कि एक पैकेट आपको मिल रहा है 100 रुपीज़ का, छोटा पैकेट 50 रुपीज़ का है। तो देखें जनाब पाकिस्तान के लंदन और यूरोप में कितनी सस्ती कैंडीज़ मिल रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कैंडीज़ आप बाय करें तो आपने लाहौर शाला मार्केट का ज़रूर विज़िट करना है और मुझे कॉमेंट भी करना है, ठीक है। अच्छा ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी कैंडीज़ है ना, ये देखिए ये तो मस्ट है ना, इस तरह की कैंडीज़ तो हाँ ज़रूर ही मिलती हैं बाहर से आने वाले जो हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ से।
हमें मौसूल होती हैं, इस तरह की चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, कुछ जो हैं वो टॉफ़ीज़ भी होती हैं, लॉलीपॉप्स होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, ईरानी चॉकलेट्स होती हैं बादामों वाली और फ्रेश क्या कहते हैं उसको फ्रूट्स वाली, ये फ्रेश फ्रूट्स कह रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाली। तो ये देखें जनाब, ये स्टॉल जो है ना भरा पड़ा है यहाँ पर, उसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद आगे शॉप्स करती हूँ जो लाइन वाइज इस तरह से ही बनी हुई थी। तो मैं साथ साथ इनसे पूछ रही थी अच्छा ये कितने की हैं कितने की, तो मैंने आपको बता दिया इनकी रेंज जो है 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक है। उसके बाद ये चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये भी बहुत ही सस्ती और रीज़नेबल प्राइसेस में हैं, और ये ना आई थिंक ये इमली की ना कुछ बनी होती हैं ना, इस तरह से बाइट्स बनी होती हैं, ये भी बड़ी मज़े की होती हैं। और आगे कुछ चॉकलेट्स भी आपको दिखाती हूँ, यानी कि सभी चीज़ें इस तरह से लग रही जैसे इम्पोर्टेड होती हैं और यम्मी भी होती हैं, अच्छी होती हैं। और मुझे ये नहीं पता कि वैसे कहाँ से इस तरह से ना सारा ढेर लगा हुआ है इस तरह की चीज़ों का। खैर लोग बाय भी कर रहे थे और हमने भी कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी, तो वैसे हमने बाय नहीं की थी, हमने जस्ट वीडियो ही बनाई थी उस दिन। मैं कह रही थी समीना से ले लेते हैं ना कुछ चीज़ें, तो कह रही थी कि अच्छा चले लेते हैं अभी कुछ और वीडियो बना लेते, फिर हम ना वहीं से आगे से टर्न ओवर करना, तो घर वापस आ गए थे। नेक्स्ट टाइम ज़रूर बच्चों के लिए लेंगे, हमारे बच्चे भी तो कैंडीज़ खा खा के अपने दाँत ख़राब करते रहते हैं ना, ये भी तो मसले होते हैं ना साथ साथ। अच्छा जनाब देखें, ये देखें कितना प्यारा ये पैकेट बना हुआ है, आई थिंक ये ना कुछ बिस्किट्स हैं, और देखें कितना प्यारा और बड़ा सा जंबो साइज़ का पैकेट बना हुआ है। तो बड़ी ही शानदार चीज़ें यहाँ पे शालम मार्केट में मिलती हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमें वीडियो बनाने दे रहे थे, कुछ मना कर रहे थे, लेकिन हमने दीदा दिलेरी से छुप छुपा के सारी वीडियोज़ आपके लिए रिकॉर्ड की। तो हमारी इस हिम्मत की हमें ज़रूर दाद दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो। और जो मेरे वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखिए, मैं आपको मज़ीद आगे ना इसी तरह से चीज़ें सारी ना दिखाती हुई चलूँगी आगे। इसी तरह की ना और वीडियोज़ भी मेरी गैलरी में पड़ी हुई हैं जो उस दिन मैंने बनाई थी, जो कि शालम मार्केट की ना मुख्तलिफ और प्रोडक्ट्स थी जिनके ऊपर मैंने ना वीडियो शूट की थी। तो आज जस्ट मैंने आपके साथ ना यही वीडियो जो है ना वो शेयर की है, तो इसमें से मैं कुछ भी कट नहीं कर रही, ये लाइव स्ट्रीम चल रही है आपके सामने। इसी तरह से मैं चलती चलती वीडियोस बनाती जा रही थी, कुछ कह रहे थे बना लो बाजी, कुछ कह रहे थे रहने दो बाजी, तो मैं किसी की नहीं सुन रही थी, मैं बस बनाती जा रही थी। आई नो आप में से कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि ये गैर इखलाकी हरकत है, कोई बना करे तो नहीं बनानी चाहिए, तो भाई मैं बना ही क्या रही थी, मैं कैंडीज़ की तो वीडियो बना रही थी, मैं कौन सा कोई अजीब गरीब वीडियोज़ बना रही थी। तो इसी तरह से बस चलता है ना फिर साथ साथ, अब आपको चीज़ें भी तो दिखानी है ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये ना कुछ वो पापड़ वगैरह बने होते हैं जो हम लोग ना फ्राई करते हैं घी में, उस तरह की पैकिंग में थे। अच्छा ये कुछ टॉयज़ हैं और साथ चढ़ गए हैं मुझे बोल बोल के, क्योंकि थ्रू आउट बोलना पड़ रहा है। और ये देखें ये कुछ बर्थडे गिफ्ट्स के होते हैं, कैप्स वगैरह बनी हुई हैं। इसी तरह से ना आगे एक बहुत खूबसूरत गाड़ी भी पड़ी हुई थी ना, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, पता नहीं शायद इसमें है या नेक्स्ट में आपको मैं दिखाऊंगी, वो भी बहुत प्यारी बनी हुई थी। वो 25,000 की ना वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक बनी हुई थी टॉय वाली गाड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद मैं जो है वो अपडेट करूँ कि शालम मार्केट से। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।